वेलकम टू GSM राकेश यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं मोबाइल का कॉम्बो, जिसे हम डिस्प्ले LCD फोल्डर के नाम से जाना जाते हैं। बहुत सारे लोग अभी भी गलती कर रहे हैं, यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं कॉम्बो चेंज करने का सेफ तरीका। बहुत सारे लोगों की दुकान पर क्या होता है कि कॉम्बो डाल देते हैं फ़ोन में, ऑटो टच वर्क करना या फिर एक दिन बाद टच छोड़ जाना, इस तरीके की प्रॉब्लम आ जाती है। उसके बाद कस्टमर दुकान पर झगड़ा करता है और उससे दुकानदारी भी ख़राब होती है। आज की वीडियो, अगर आपके पास भी इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। आप बहुत सारी गलती कर रहे हैं यहाँ पर जो कि आपको नहीं करना चाहिए। पहले क्या हुआ करता था कि पहले जो कॉम्बो थे, पहले चाइना बंद होने के कारण जो भी पुराने फोल्डर थे वो ही रिपेयर होके आ रहे थे, तो उसमें कंप्लेंट थी। बट अब फोल्डर में इतना कंप्लेंट नहीं है, बहुत नाके समान है। बट अब आप खुद गलती कर रहे हैं। आप क्या गलती कर रहे हैं वो गलती जानने के लिए वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। आज हमारे पास एक नया कॉम्बो है, इसको हम लगाएंगे और यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि जो कंपनी कॉम्बो लगा के दे रही है उसमें क्या क्या कंपनी ऐड करती है, जो कि नई न्यू कॉम्बो में वो चीज़ देखने के लिए नहीं मिलती है। तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। सबसे पहले मैं इस कॉम्बो को निकालता हूँ क्योंकि ओरिजिनल कॉम्बो है, इससे आपको जानकारी भी मिलेगी कि इसमें क्या क्या चीज़ लगी होती है और हम लगा के नहीं देते हैं और आप क्या क्या गलती करते हैं। तो ये ख़राब कॉम्बो मैं ऐसे ही निकाल देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कॉम्बो को निकाल दिया है और एक चीज़ ध्यान दें, सबसे पहले क्रोम में हम ग्लू लगाते हैं, यहाँ पर इसे चिपकाने के लिए ग्लू लगाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे ये तो फर्स्ट टाइम कॉम्बो पड़ रहा है, अगर हम सेकंड टाइम कॉम्बो डालते हैं या डला हुआ होता है तो जो ग्लू है वो यहाँ पर लगा हुआ होता है। बहुत सारे लोग इतना बुरी तरह से पोत देते हैं, लगा देते हैं कि यहाँ पर ग्लू आ जाता है, इससे भी आपके फोल्डर में प्रॉब्लम आती है। वो क्या प्रॉब्लम आती है वो आपको यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। और यहाँ पर एक चीज़ और बताऊँगा, बहुत सारे नया क्रोम डालते हैं या फिर पुराना क्रोम डालते हैं तो ये पॉलीथीन यहाँ पर लगा हुआ होता है हर क्रोम में, इसे हटा देते हैं या फिर इसे साफ़ करते टाइम ये हट जाता है तो निकाल के फेंक देते हैं, इससे भी प्रॉब्लम आती है। और यहाँ पर आप ध्यान से देखना, ये इसमें से कॉम्बो निकाला है और यहाँ पर आप ध्यान से देखना कि यहाँ पर एक इसके जो फ्लेक्स है, इसका जो पत्ता है, इसके अंदर से एक देख सकते हैं यहाँ पर टेप टाइप का, ये गोल्डन कलर का, ये कॉपर का टेप है, अंदर से टेप आ रहा है। इससे क्या होगा कि यहाँ पर पानी नहीं जाएगा, धूल नहीं जाएगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे कि हम ग्लू लगाते हैं तो इसके अंदर ग्लू नहीं जाएगा, आप कभी भी इसे नहीं लगाते हैं तो ये भी आप गलती करते हैं। तो इस कॉम्बो को मैं निकाल के अलग दर्द देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले आपकी क्रोम की ये साइड है, इसको आपको क्लीन कर देना है। इस पर जो भी टेप लगा हुआ होता है, कंपनी का टेप लगा हुआ होता है कुछ इस तरीके का, इसको आपको क्लीन कर देना है कुछ इस तरीके से, देख सकते हैं, इसे आपको निकाल देना है और इसको बिल्कुल भी नहीं छुटाना है, इस पॉलीथीन को। अगर ये छुटा हुआ है तो यहाँ पर आप कागज़, हल्का पतला कागज़ हो, पॉलीथीन हो, वो यहाँ पर रख दें, चिपका दें, क्योंकि इससे भी हमारी ऑटो टच की प्रॉब्लम आती है। यहाँ पर हर क्रोम में देख लेना, यहाँ पर हर क्रोम में ये पॉलीथीन लगी हुई होती है। तो मैं इसकी जो टेप है इसको हम निकाल देते हैं, साफ़ कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने क्लीन कर लिया, इसके जो टेप था वो निकाल दिया है। एक बार हम ब्रश से इसकी जो मिट्टी है वो हम क्लीन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम जो नया कॉम्बो है वो यहाँ पर चेक कर लेंगे पहले ही कि कॉम्बो में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। और यहाँ पर फोल्डर में एक पॉलीथीन लगा हुआ है तो इसको हम निकाल देंगे, अभी इसका गारंटी ख़त्म नहीं होगा, इसे हटाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर हमारा एक टेप लगा हुआ है इसके पत्ते पर, तो इसको हम हटाकर इसको अच्छे से जो हमारा फ्लेक्स पत्ता है उसको हम आगे को खींचकर और अच्छे से प्रेस कर देंगे, ये चिपक जाएगा। और उसके बाद हम इसको चेक करेंगे, अभी भी इसकी गारंटी ख़त्म नहीं है, ये सोच रहे हैं कि गारंटी ख़त्म होगी, जब तक इसका स्टिकर है, जो वारंटी वाला स्टिकर है वो नहीं टूटता है, जब तक कोई भी गारंटी ख़त्म नहीं होती है या फिर इस पर ग्लू लग जाने से पहले गारंटी ख़त्म नहीं होती है। तो हम इसको पहले चेक कर लेंगे कि हमारा जो कॉम्बो है वो ख़राब तो नहीं है, टच प्रॉब्लम तो नहीं है या फिर डिस्प्ले प्रॉब्लम तो नहीं है, और
सब कुछ चेक करने के बाद ही हम इसको लगाएंगे। ऑलरेडी वैसे मैंने वीडियो में बता रखा है, बट अभी भी मार्केट में फ़ोन देखने के लिए मिल रहे हैं ऐसे कि बहुत ज़्यादा ग्लू लगा देते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम कर देते हैं, फ़ोन का ऊपर का जो रबड़ है वो नहीं लगाते हैं, जो स्पीकर की जाली होती है उसको नहीं लगाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं लोग छोड़ देते हैं। तो उन चीज़ों को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। कंपनी अगर एक रबड़ भी लगा के दे रही है तो वो काम के लिए दे रही है, उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट ही होगा कंपनी को, नहीं तो वो नहीं देती। तो यहाँ पर हमारा फ़ोन है वो ऑन हो चुका है और हम यहाँ पर लॉक लगा हुआ है, तो हम इसके इमरजेंसी में इसकी टच को चेक करेंगे। टच चेक करने का तरीका ये होगा कि नीचे की साइड में इसका ग्लास का जो लेंस होता है, फोल्डर का लेंस होता है, तो यहाँ पर हल्का सा प्रेस करेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम टच चेक करेंगे कि टच वर्क कर रही है नहीं कर रही है। और इसे आप चेक कर, अगर आपके पास टाइम हो तो 2 मिनट से 5 मिनट के बीच में आपको चेक करना है, यानी कि इसकी जो लाइट है वो बुझनी नहीं चाहिए, आप जल्दी जल्दी टाइप करते रहना, जैसी लाइट बुझने पर आए डिस्प्ले की उसके बाद आपको इस पर टाइप कर देना है। तो यहाँ पर मैंने वीडियो रोक कर चेक कर लिया है इसको करीब 4-5 मिनट। तो आपको भी जब कभी भी आप फोल्डर लगाते हैं तो थोड़ा सा टाइम ले लें कस्टमर से और अच्छी तरीके से लगाएं, इससे ये होगा कि कस्टमर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा और कस्टमर आपसे ही काम करवाएगा अगली बार। तो ये चीज़ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम इसकी साइड पर ग्लू लगाएंगे फोल्डर चिपकाने के लिए। और एक चीज़ ध्यान रखें, ग्लू नीचे की साइड में नहीं जाना चाहिए, ऊपर ऊपर ही रहना चाहिए, यानी कि ग्लू कम लगाना चाहिए, लिमिट से ज़्यादा नहीं लगाना है। तो फ्रेंड यहाँ पर मैंने ग्लू को लगा दिया है और यहाँ पर अब इसको क्रोम को आपको करीब 4 से 5 मिनट अलग रख देना है, यानी कि थोड़ा सा इसको सूखा होने देना है। और उससे पहले आपको ट्वीजर या फिर किसी भी टूल से ये चेक कर लेना है कि इसकी क्रोम पर ग्लू तो नहीं गया है। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने बहुत हिसाब से लगाया है, मेरा ग्लू है वो नीचे नहीं गया है। तो आप अगर गया है तो आप किसी भी चीज़ से आप इसको हटा देना, फोल्डर के नीचे बिल्कुल भी यहाँ पर ग्लू नहीं जाना चाहिए, इससे भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है हमारी साइड से, डिस्प्ले थोड़ा पीलापन आ जाता है और टच का भी प्रॉब्लम बनता है। तो ये चीज़ आपको छोटी छोटी चीज़ है वो आपको ध्यान रखना चाहिए। अब इसको आपको साइड में रख देना है 5 मिनट के करीब। अब यहाँ पर आप फोल्डर में आपको ये टेप लगाना है, ये टेप कहाँ पर लगाना है मैं आपको बताऊँगा। और ये टेप आपको डॉक्टर की दुकान पर या फिर मेडिकल पर ही आसानी से मिल जाता है। और इसको थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ना है और यहाँ पर जो हमारा पत्ता है डिस्प्ले से निकलता है उसके अंदर से लगाना है, जो कि मैंने पीछे इसी वीडियो में दिखाया था कि नीचे की साइड से हमारा कॉपर का टेप निकल के आ रहा था, तो उसी तरीके से आपको इसको लगा देना है। अब इससे बेनिफिट ये होगा कि यहाँ पर पानी फानी नहीं जाएगा और धूल मिट्टी और यहाँ पर जो ग्लू है जो हमने साइड से लगाया वो नहीं जाएगा, इससे ये बेनिफिट होगा और हमारा ऑटो टच या फिर टच प्रॉब्लम नहीं आएगा या फिर हमारा जो पत्ता है वो ख़राब नहीं होगा। उसके बाद ऊपर से पॉलीथीन आप हटा सकते हैं, नहीं हटाना चाहें तब भी चलेगा, कोई बात नहीं है। और इसकी जो शील्ड है जो लगा हुआ है उसको हमको अलग कर देंगे, यहाँ पर अगर हम शील्ड छोड़ते हैं तो ये साइड से उठा हुआ रह जाता है या फिर पता चलता है कि ये फोल्डर पड़ा हुआ है। आप जो कोई भी काम करो मोबाइल में हमेशा याद रखो, अगर आप चार्जिंग जैक भी डालते हैं तो कुछ इस तरीके का डालना चाहिए जो कि कस्टमर को या फिर किसी को दूसरे को पता नहीं चलना चाहिए कि इस फोन में काम किया है। अब यहाँ पर वीडियो को रोककर मैंने 5 मिनट वेट करने के बाद यहाँ पर कॉम्बो को मैं लगाता हूँ और कॉम्बो को आपको पीछे की साइड से लगाना है और देख लेना है चारों तरफ फिट आना चाहिए, उसके बाद आपको चारों तरफ से फिट आ जाता है। उसके बाद आपको किसी भी सॉफ्ट मैट हो या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है यहाँ पर सॉफ्ट जगह है वहाँ पर आपको रखना है और बैटरी को आपको लगा देना है। बैटरी को लगाने के बाद यहाँ पर आपको इसकी स्क्रू है उसको आपको यहाँ पर खींच देना है, रबड़ अभी नहीं लगाना है। तो मैं यहाँ पर सारा काम है वो कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ, उसकी टेस्टिंग भी करने वाला हूँ। तो यहाँ पर वीडियो को मैं थोड़ा सा कट करूँगा। तो फ्रेंड यहाँ पर मैंने सारा सब कुछ लगा दिया, अब यहाँ पर पैनल लगाने की बारी है। तो यहाँ पर पैनल पर मैंने ग्लू लगा दिया, उसके बाद यहाँ पर मैं इसको अच्छे से पुश कर देता हूँ, लगा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हम रबड़ लगा देंगे।
रबड़ आप क्रोम टेढ़ा है तो ऊपर की साइड से भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप तीन रबड़ लगा देती हैं साइड से यहाँ पर तीनों जगह पर तो भी काम चल जाएगा। अगर क्रोम में थोड़ा लब है या टेढ़ापन है तो आप ऊपर की साइड से भी लगा सकते हैं फिटिंग अच्छी देने के लिए। हमेशा याद रखें कॉम्बो लगाएं तो अच्छी फिटिंग दें कस्टमर को, जो कि उसको पता भी नहीं चले कि इसमें काम किया है, या फिर वो फ़ोन बेचे भी किसी को तो वो किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि इस पर काम हुआ है। और एक चीज़ ध्यान रखें कि कैमरा के ऊपर जो जाली लगा हुआ होता है स्पीकर की, वो ज़रूर लगाएं, वो बहुत सारे लोग पुराने फोल्डर में छोड़ देते हैं, और कैमरे की रबड़ भी होती है उसको भी छोड़ देते हैं, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमने कॉम्बो को लगा दिया है, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर हम सिम डालने की बारी है, तो सिम डाल के चेक कर लेते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये तरीका था, सेफ तरीका है, इसमें आपको कोई भी कंप्लेंट देखने के लिए नहीं मिलने वाली है। आप हमेशा याद रखें कि काम अच्छा करेंगे तो ग्राहक दोबारा से ज़रूर आएगा और वो अच्छे खासे पैसे भी दे के जाएगा। ये नहीं होगा कि कंपटीशन के तौर पे करें कि 50 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये में आप फोल्डर डालें उसके बाद चलता काम कर दें, कस्टमर फिर दोबारा से आपको बुलाना ही नहीं है कुछ इस तरीके से। काम ऐसा करो कि कस्टमर बार बार आए आपको। तो यहाँ पर हमने सिम डाल दिया, इसकी अब टच चेक करने की बारी है। तो यहाँ पर टच चेक कर लेते हैं, कस्टमर ने लॉक बता दिया 1, 2, 3, 4 लॉक है इसका, तो लॉक खुल चुका है। और इसकी ब्राइटनेस भी देख लेते हैं, ब्राइटनेस गड़बड़ रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम थी नहीं, अब प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा, अच्छे से हमने काम किया है इस कॉम्बो पर। तो अब ये हमारी लास्ट ही वीडियो है, अब इस चैनल पर मैं कॉम्बो की वीडियो नहीं लेके आऊँगा क्योंकि ऑलरेडी वीडियो इस चैनल पर डाला हुआ है। तो इस वीडियो को ज़्यादा लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक फॉर वॉचिंग।